हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो हमने पहले जो वीडियो था उसमें हाइड्रोजन बंद पड़ा था, उसके टाइप नहीं देखे थे, तो आज उसमें टाइप देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं उस वीडियो में टाइप इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता, तो इसलिए टाइप आज हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन बंद के। तो हाइड्रोजन बंद कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोजन बंद दो प्रकार का होता है। एक बार देखो, ऊपर दिखा देता हूँ। देखो, ये हाइड्रोजन बंद मैंने वहां से ये पढ़ाया था, तो इसमें बताया था मैंने कि दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है, तो एक के साथ तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध बनाता है, और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध क्या होता है? ये एक अट्रैक्शन बंध है, मतलब आकर्षण बल है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इतना समझा दिया था। उसके बाद हमने इसके टाइप देखेंगे आज कि कितने प्रकार का होता है, कि पहला आता है अंतःअणु हाइड्रोजन बंध और एक आता है अंतराणु हाइड्रोजन बंध। तो अंतःअणु क्या होता है, अंतराणु क्या होता है, देखो एक बार। तो यहां पे कि पहला है कि अंतःअणु हाइड्रोजन बंध, देखो मैंने क्या लिखा है, जब हाइड्रोजन परमाणु उसी एक ही अणु में उपस्थित किसी अन्य अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतःअणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑर्थो क्लोरोफिनोल। क्या लेते हैं? ऑर्थो क्लोरो फिनोल लेते हैं। तो यहां पे ये लिख दिया, ये बेंजीन रिंग, ये क्या है, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के एक कार्बन पर क्या जुड़ जाए, ओ एच, तो ये तो क्या आ गया, ओ, और मैं एच को ऐसे शो कर दूं, बात वही है, तो ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। अब क्या बोल रहा है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल, तो फिनोल ऑर्थो, इसके ऑर्थो स्थिति पर क्या है, क्लोरीन एटम है, तो ये क्या लिख दिया, क्लोरीन, तो क्या आ गया, ऑर्थो क्लोरो फिनोल। इतना समझ आ गई, तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं ऑर्थो क्लोरो फिनोल। क्या नाम है इसका, ऑर्थो क्लोरो फिनोल। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने एग्जाम वो क्या बताया था, हाइड्रोजन बंध दो विद्युत ऋणी परमाणु, तो एक विद्युत ऋणी परमाणु ये रहा, दूसरा ये रहा, इनके दोनों के बीच में क्या आए, हाइड्रोजन, तो उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध। तो इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन आ रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध, और इसको डॉट डॉट से शो करते हैं, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई। अब ये ऑर्थो क्लोरोफिनोल का पूरा एक ही अणु है, एक ही अणु है ना, अब एक ही अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बंध बन जाए तो उसे हम बोलते हैं अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। तो एक ही अणु के अंदर दो विद्युत ऋणी परमाणु, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसका जो हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन बंध, तो एक ही अणु के अंदर बनाए तो उसे क्या बोलते हैं, अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। अंतः मानी अंदर और अणुक मानी अणुओं के अंदर, है ना, तो अणुओं के अंदर बन रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। तो देखना एक बार, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के यहाँ पे ओ और यहाँ पे एच लिख दिया, और यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो, इसकी ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो समूह है, तो NO2, तो यहाँ पे ओ ऐसे। तो देखना ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, ये भी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, इनके बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन बंध, या कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसके बीच में कैसा बनेगा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगेन समझ रही, ये भी एक ही अणु के अंदर था, पूरा एक अणु है ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। इतनी बात समझ आ गई। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं हम, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। कौन सा टाइप देखते हैं, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। तो देखो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध में इसका दूसरा टाइप है हाइड्रोजन बंध का, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो उसे
अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। पहले वाले में तो क्या था, एक ही अणु के मध्य दो रहा था, और इसमें क्या होंगे, दोनों अणु अलग अलग होंगे, उनके मध्य बनेगा हाइड्रोजन बंध। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, देखो इधर वाटर का ही ले लो, H2O, ठीक है, H, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा HO, ये क्या मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो देखना एक बार कि ये देखो, अब ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु, ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु, और ये तो ये अधिक विद्युतऋणी, ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु, दूसरा ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन होगा, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, दो अलग अलग अणुओं के मध्य यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ऐसे ये एग्जाम्पल है, जैसे ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये दूसरी हाइड्रोजन इसकी, ये रही है ना, और ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु, तो इनके मध्य भी जो हाइड्रोजन अट्रैक्शन होगा उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आज के लिए इतना ही था। तो सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको अच्छा समझ आया तो मुझे कॉमेंट के द्वारा जरूर बताएं।